हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग अभी भी जंगकुक की सोच को सुन पा रहा था। जंगकुक को त्यांग कहते हैं, तुम अब सोचना बंद कर दोगे क्या? तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी स्टेबिड चीज़ पर। जंगकुक कहते हैं, क्या आपको क्या पता मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? प्रोफेसर, क्या आप सच में मेरी सोच को सुन सकते हो क्या? त्यांग अब चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। जंगकुक कहते हैं, आज आपको कहना ही होगा, आखिर आपको कैसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? त्यांग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया क्योंकि एग्ज़ाम करीब है और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो, तो मुझे लगा मैं तुम्हें कह दूँ। ऐसे भी मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से गाइडलाइन दूँ कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिर तुम लोग स्टडी अच्छे से करने लगोगे और तुम लोग को अगर मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं तुम लोग की मदद करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी मदद हो मुझसे पूछ लेना। बाकी स्टूडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं, कहते हैं, क्या प्रोफेसर से हम मदद ले सकते हैं? वो हमारी मदद करने वाले हैं। सभी लोग अब त्यांग के पास आ जाते हैं और उसको कहते हैं, प्रोफेसर हमें स्टडी के लिए कौन सी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो त्यांग अब सब लोगों को कहते हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और मुझे तंग करना बंद करो। तुम लोग कोई बच्चा नहीं हो जो मेरे पास इस तरह से आ रहे हो। मैं बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से नोट कर लो। सारी स्टूडेंट उसको नोट करने लगता है, लेकिन जंगकुक अब त्यांग को देख कर यही सोच रहा था, आखिर प्रोफेसर इतना बदल क्यों गए हैं? वो तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही खड़ूसा था। आप इतने प्यार से सब लोगों की मदद करना चाहते हैं, मैं भी तो कहूँ। आखिर त्यांग की पहला रूप आ ही गया, वो दोबारा से अपने स्टूडेंट के साथ इतनी कोर बिहेवियर कर रहे हैं। मुझे तो प्रोफेसर के साथ पहली बार बातें करने में बहुत ही डर लग रहा था, आखिर वो इतना कोल नेचर की जो है। लेकिन जैसे उनकी शादी में गया और उनको यहाँ से भागते ही देखा, उनको इस तरह से बहुत ही सैड दिख रहा था। मुझे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का आंसर नहीं दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे। मैं जो भी बातें कर रहा था उसको सुन रहे थे। वरना प्रोफेसर को तो किसी की बातों पे भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा शायद मैं अब प्रोफेसर के साथ बहुत क्लोज हो चुका हूँ, मैं उनके साथ फ्रीली बातें कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब तो वो पहले जैसे ही बहुत ही कूल नेचर का लग रहे हैं। मुझे उनके साथ अभी दूरियाँ बनाना पड़ेगा। त्यांग मुस्कुराता है और कहते हैं, किसने कहा तुम चाहो तो मुझसे खुलकर बातें कर सकते हो? जैसे ही जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या, तो त्यांग को अब समझ में आ जाता है उसने क्या कह दिया। इससे तो जंगकुक को पता चल गया है कि वो उसकी सोच को सुन पा रहे हैं। इसलिए त्यांग कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों की तुम लोग मुझसे अच्छे से बातें कर सकते हो और मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी सोच को सुनने के बाद ये सब कुछ बोल रहे हैं? यहाँ पर त्यांग भी परेशान हो चुके थे, आखिर वो इस तरह से जंगकुक की बातों को कैसे सुन सकते हैं? इस तरह से तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा और जंगकुक को अगर एक बार शक हो गया तो त्यांग क्या कहेगा, क्योंकि त्यांग को खुद भी नहीं पता। तो फिर कॉलेज छुट्टी होने के बाद त्यांग अपने घर जा रहा था, वो अपनी कार पर बैठने ही वाले थे। त्यांग देखते हैं जंगकुक बहुत सारे लड़कियों के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ लड़कियाँ तो जंगकुक को टच करके बातें कर रहा था। त्यांग जंगकुक को इग्नोर करते हुए अपने कार पर बैठ जाते हैं और स्टार्ट करते हुए वो अपने घर आ जाते हैं बहुत ही फास्ट। त्यांग आने के बाद तुरंत वॉशरूम चले जाते हैं और वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और सोच रहा था, आखिर मेरी बॉडी पार्ट में ऐसी कौन सी मशीन लगा हुआ है जिससे मैं जंगकुक की सोच को सुन सकता हूँ, क्या ये सब कुछ सपना ही है सच? लेकिन उसको तो अपनी बॉडी में कुछ ऐसा मशीन नहीं मिलता है जिससे वो किसी की भी सोच को सुन सकते हैं। और यहाँ पर जंगकुक घर आने के बाद भी वो यही बारे में सोच रहा था, आखिर त्यांग ऐसी बातें क्यों करते हैं जिससे कि जंगकुक को लगता है त्यांग ने उसकी बातों को सुन लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर मैं इतना जोर से क्या सोचने लग गया हूँ क्या जो बाहर भी सुनाई देता है? जंगकुक मिरर में खुद को देखते हैं और वो अपने मुंह को थोड़ा सा पानी से साफ कर लेते हैं
और वो तैयार होने लगते हैं, वो उस बीजी गर्ल के साथ डेट पर जाने वाले हैं और उसने तो उसको रात को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहा है। जंगकुक अब सोचने पर जाते हैं वो क्या करेगा। जिमिन रूम में आ जाते हैं और जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, क्या तू तो आज उस बीटी गर्ल के साथ जाने वाला है क्या, तू बहुत लकी है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, जा जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर। जंगकुक कहते हैं, नहीं मैंने उसको मना कर दिया कॉल करके, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जिमिन कहते हैं, क्या तू थक कैसे सकता है, अभी तक तो तूने उसके साथ। जंगकुक कहते हैं, बस भी कर, मुझे अभी नहीं जाना है, मैंने कहा ना। जिमिन कहते हैं, तो ठीक है मैं ही उसके साथ चला जाता हूँ। जंगकुक कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो मुझे पसंद करता है, तुझे नहीं। और मैंने अभी जब उसको कॉल किया था उसने मुझे कहा जब भी मेरा मूड बन जाए तो मैं उसको एक बार कॉल कर दूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। जिमिन कहते हैं, तू कितना लकी है, फिर भी तो आज नहीं जा रहा है, मुझे अगर कहता तो मैं तो चला ही जाता उसके पास दौड़ कर। जंगकुक कहते हैं, इसलिए तुझे नहीं कहा और मुझे अपने पास बुला लिया था, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, इतनी आसानी से किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना चाहिए तो लड़कियों को लगेगा मेरे साथ सोना बहुत ही ईजी लगने लगेगा, अगर मैं उन लोगों को इग्नोर करूँगा और घुमाने लग जाऊँगा तो वो लोग मुझे और भी इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, मुझे उन लोगों की अटेंशन की ज़रूरत है। और तू तो जानता ही है मैं चाहता हूँ हर एक लड़कियाँ मेरे आसपास लगे रहे, और तू तो जानता ही है मुझे लड़कियों की अटेंशन बहुत पसंद है। और यहाँ पर त्याग इतना परेशान हो चुके थे इस बार में सोचकर कि वो जंगकुक की सोच को कैसे सुन सकते हैं। तो फिर युंगी उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। साइकेट्रिस्ट जैसे ही त्यांग को बोलते हैं, ये तुम्हारी 30 ईयर्स की एक पावर है जो तुम अपनी एक ऐसे इंसान की बातों को सुन सकते हो हमेशा जिसके बारे में तुम सुनना चाह रहे थे, आखिर तुम्हारे साथ वही हुआ, क्या तुम इससे पहले भी उस लड़के की सोच को सुनने की कोशिश किया है क्या। त्यांग कहते हैं, क्या। तो फिर साइकेट्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैंने सही कहा, अगर ऐसा किया है तुमने तो तुम उस लड़की की सोच को अब सुनना शुरू कर दिया है, क्योंकि तुम अब प्रॉपरली 30 ईयर्स के मैन हो चुके हो और तुम अभी तक वर्जिन हो, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे ही तुम किसी के साथ इंटीमेट हो जाओगे तुम्हारी ये पावर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तुम उस बॉय की किसी भी सोच को नहीं सुन पाओगे। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी किसी के साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए। त्यांग तुम आखिर 30 ईयर्स के हो, तुम अभी भी सिंगल रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ तो इंटीमेट हो ही सकते हो ना, बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए मरे जा रहा होगा, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो, आज रात को किसी के साथ इंटीमेट हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जितना मुझे लगता है। त्यांग कहते हैं, क्या अब मुझे ये सब कुछ करना होगा क्या, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, आखिर तुम किसी के साथ फिजिकल क्यों नहीं हो जाना चाहते हो। त्यांग कहते हैं, मुझे ये सब कुछ करने में अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा और टाइम लेना चाहता हूँ, मैं जिसके साथ इंटीमेट होने वाला हूँ वो सिर्फ मेरा पार्टनर होगा, किसी और के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर साइकेट्रिस्ट त्यांग पर दिल आ जाते हैं उनका और वो कहते हैं, क्या तुम ऐसी सोच रखते हो, मुझे तुम्हारी सोच देखकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। त्यांग कहते हैं, क्या। उसके बाद युंगी के साथ वो यहाँ से चले आते हैं। युंगी कहते हैं, उसने तुमसे क्या कहा, तुम नाराज होकर क्यों वापस आ गए, कुछ गलत बोल दिया है क्या, तो मुझे कहो मैं जाकर देख लेता हूँ। त्यांग कहते हैं, नहीं नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हमें इससे क्या कहना, मुझे जो जानना था मैंने वो जान लिया है, तो मुझे अभी किसी भी बात का कोई भी टेंशन नहीं है, अब जाकर मैं चैन से सो सकता हूँ। वे फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाते हैं। वो जंगकुक के बारे में सोच रहा था, आखिर आज रात को जंगकुक एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाले हैं। त्यांग अब सोचने लग जाते हैं, क्या जंगकुक उस लड़की के साथ रात बिताने वाले हैं क्या। फिर त्यांग कहते हैं, अगर ऐसा कुछ करेगा भी तो मुझे कल कॉलेज जाने के बाद पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहा है, अगर वो ऐसी कोई सोच सोचने लग जाएगा उस लड़की के साथ जो भी पल बिताया होगा तो फिर मुझे भी पता चल जाएगा
आखिर जॉन कुक ने रात को उस लड़की के साथ क्या किया है। अब मैं उस सब कुछ जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। उसके बाद त्यांग कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर त्यांग मन में कहता है, मुझे क्या, वो कुछ भी करे, किसी के साथ भी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपनी पिल्लू पकड़ कर सो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रहा था। नेक्स्ट डे त्यांग कॉलेज आने के बाद वो जंगकुक को ढूंढने लगते हैं। आज जंगकुक बाहर नहीं दिख रहा था। त्यांग को लगता है जंगकुक शायद अंदर होगा, लेकिन वो अंदर आने के बाद देखता है जंगकुक कॉलेज के अंदर भी नहीं है। त्यांग पूरी कॉलेज में जंगकुक को ढूंढता है, कहीं भी और भी नहीं मिल रहा था। वो जिमिन के साथ टकरा जाता है। जिमिन कहता है, सॉरी प्रोफेसर, मैंने ध्यान नहीं दिया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है ना। प्रोफेसर कहते हैं, नहीं, तुम आज अकेले आए हो क्या, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है। जिमिन कहते हैं, क्या मतलब, मैं तो हमेशा कॉलेज में अकेला ही आता हूँ, मेरे साथ और कौन होगा। त्यांग कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वो तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तो जिमिन कहते हैं, आप जंगकुक के बारे में पूछ रहे हो क्या। त्यांग कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने उसके बारे में पूछा नहीं, मैं सब इतना ही जानना चाहता हूँ, तुम आज अकेले दिख रहे हो इसलिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कॉलेज लाइफ ऐसा होता है, दोस्तों के साथ रहना बहुत ही इंजॉयबल लगता है। पढ़ाई के साथ अपनी दोस्ती को भी अच्छी तरह से निभाना चाहिए, एक दूसरे की ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे बारे में उसको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें भी उसके बारे में पता होना चाहिए। जिमिन त्यांग को कहते हैं, हाँ मुझे अपने दोस्त के बारे में पता है, वह अपने रूम में है, बहुत थक गया है, इसलिए रेस्ट कर रहा है, शायद आज कॉलेज नहीं आने वाले हैं। त्यांग जिमिन को कहते हैं, क्या थक गया है, लेकिन क्यों। जिमिन कहते हैं, वो, लेकिन जंगकुक उस टाइम पर आ जाते हैं और कहते हैं, किसके बारे में बातें हो रहे हैं, प्रोफेसर कैसे हो आप, क्या जिमिन तू मुझे मिस कर रहा था क्या, तू किसके बारे में बातें कर रहा है। जिमिन कहते हैं, जंगकुक अच्छा हुआ तो कॉलेज आ गया है, लेकिन तू तो नहीं आने वाला था ना, तू तो बहुत थक गया था, तू भी क्यों आया। प्रोफेसर तेरे बारे में ही पूछ रहे थे, मैं प्रोफेसर को तेरे बारे में ही बोल रहा था। जंगकुक कहते हैं, क्या प्रोफेसर मेरे बारे में पूछ रहे थे। त्यांग कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं पूछा है, मैं तो सिर्फ उसको ऐसे ही कह रहा था कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, हाँ हाँ मैं भी तो कहूँ, आप मेरे बारे में क्यों पूछोगे। त्यांग कहते हैं, आखिर कल रात को क्या हुआ है जो तुम इतना थक गए हो, तो फिर तुमने उस लड़की के साथ। और त्यांग अपनी शक्ल थोड़ा सा सैड बनाते हुए ऐसे जा रहा था। जंगकुक जिमिन को कहते हैं, प्रोफेसर ऐसे जा रहे हैं, चल जाकर बातें करते हैं। जिमिन जंगकुक को कहते हैं, तू जा, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे इंग्लिश टीचर युंगी के साथ बातें करना है, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद जैसे ही त्यांग जंगकुक की क्लास पर आ जाते हैं उन लोगों के साथ क्लास लेने के लिए, त्यांग वो जाकर सब लोग को अच्छे से समझा रहे थे स्टडी के लिए, लेकिन त्यांग जंगकुक की सोच को सुनने की कोशिश कर रहा था। त्यांग देखता है जंगकुक यही सोच रहा था, आखिर मैं उस लड़की को क्या जवाब दूंगा, मैं कल रात को उसके साथ क्यों नहीं इंटीमेट हुआ, मैंने उसको कॉल करके मना क्यों कर दिया, अब वो लोगों के साथ कुछ और बातें ना बनाने लग जाए। नहीं नहीं, मुझे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करता हो, और सिर्फ तुम ही नहीं सब लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी दिल की सुनो, हमेशा दिमाग से काम मत करो, और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा कर करो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई भी मदद चाहिए होंगी और कोई भी सजेशन चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन तुम लोग किसी को एक्सक्यूज मत देना, जो भी सच है वो खुलकर कह देना, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसको अपने दिल में नहीं रखना चाहिए और खुलकर बोल देना चाहिए, इससे ऑपोजिट इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा और तुम्हारे लिए अच्छा फील करेगा, इससे तुम उसकी नज़र में और भी बड़े बन जाओगे। अगर तुम उसे झूठ कहोगे तो फिर तुम उसकी नज़र में बहुत ही नीचे गिर जाओगे, जब उसको पता चलेगा तुम उसके साथ झूठ बोल रहे हो, इससे अच्छा है कि हम सब लोग सच कहने की कोशिश करें। जंगकुक त्यांग की तरफ ही देख रहा था। त्यांग अब इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहते, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, आई होप तुम लोगों को मेरी बातों से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर
तुम लोग मेरी बातों से कुछ सीख पाते हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मैं बहुत खुश भी होऊंगा। सब लोग त्यांग को थैंक यू कहते हैं। त्यांग रूम में से बाहर निकल जाते हैं। जंकू कहते हैं, प्रोफेसर ने तो मेरी काम को बहुत ही आसान कर दिया। अब मैं उस पीटी गर्ल को अच्छी तरह से मना सकता हूँ। अब वो मुझ पर नाराज़ नहीं हो सकता है। वो उस पीटी गर्ल के साइड पर जाकर बैठ जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं आखिर वो उसके साथ डेट पर क्यों नहीं गया। वो बहुत थक गया था और वो उसके सामने खुद को इतना लो फील नहीं कराना चाह रहा था, इसलिए वो उस लड़की को कॉल करके मना कर दिया था। वो लड़की खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे, ठीक है जंकू? जंकू कहते हैं, ऑल राइट। उसके बाद ये सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे और बातें करने में लग जाते हैं। त्यांग भी बहुत खुश लग रहा था। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।